धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बन्ना रियल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ मक्के के दाने की भुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो सबको बहुत पसंद आता है। तो आइए चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने दो ताजे मक्के ले लिए हैं और इन दानों को हम छुड़ा लेंगे। मैं हाथ से इन दानों को छुड़ा लिया है, हमारे दाने छूट चुके हैं। अब हम मक्के के दानों को भुनेंगे। भुनने के लिए हम मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। अब हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है, उसमें 1 हरी मिर्ची कट करके डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप और मिर्ची डाल सकते हैं। हरी मिर्ची को थोड़ी देर के लिए भूनने देंगे। मिर्ची हमारी भून गई है, अब इसमें हम मक्के के दानों को डाल देंगे, डालकर और पलटे की सहायता से इसको चला देंगे। को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। अब हमने फ्लेम को लो कर दिया है, मक्के आधे भुन गए हैं। अब बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और थोड़ी देर और इसको भूनने देंगे। फिर से इसको पलटी की सहायता से चला देंगे। अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये हमारे मक्के के दाने लग सकते हैं, इसीलिए इसको आप चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है, अब बीच बीच में चलाते रहेंगे और धीरे धीरे भूनते रहेंगे। इसको 5 मिनट के लिए और भूनेंगे। 5 मिनट बाद हमारे मक्के के दाने रेडी हो जाएंगे। फिर इसको छोड़ देते हैं। फिर से इसको चला देंगे, फ्लेम लो रहना चाहिए। अगर ये लो फ्लेम नहीं रहेगा तो हमारे मक्के के दाने लग सकते हैं। इसको हम बीच बीच में चलाते जाएंगे और मक्के के दानों को भूनते जाएंगे। हमारे मक्के के दाने रेडी होने वाले हैं। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे वरना मक्के के दाने लग सकते हैं और फिर थोड़ी देर की रुक जाएंगे और फिर से चलाएंगे। अब हमारे मक्के के दाने रेडी होने वाले हैं। अब इसमें मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल दिया है। इसको हम फिर से चला देंगे जिससे हमारा सॉल्ट मिल जाए। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इसके बाद इसको फिर से चला देंगे और
एक मिनट के लिए उसको और भून लेंगे। उसके बाद इसको चेक कर लेंगे कि दाने हमारे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो मैंने दानों को दबा के चेक कर लिया है, मक्के हमारे अच्छे से भुन गए हैं। देख सकते हैं दाने दब रहे हैं, यानी मक्का के दाने हमारे भुन के रेडी हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। हमारी मक्के की दाने की भुजिया बन के रेडी हो चुकी है। यह खाने में बहुत टेस्टी लगती है, यह बड़े और बच्चे सबको पसंद आती है। ये मक्के की दाने की हेल्दी भुजिया, इसको हम मॉर्निंग या इवनिंग के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और खा सकते हैं, या दोनों टाइम ब्रेकफास्ट के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। या खाने में बहुत अच्छी लगती है और इसके संग अगर चाय हो तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। या बच्चे भी बड़े भी सभी खा सकते हैं, यह सबके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ये एक बाइट आपके लिए, आप खाएं और बताएं कि यह भुजिया आपको कैसी लगी। इसे आप घर में बनाएं और इस्तेमाल करें। यह मक्के के दाने की हेल्दी भुजिया की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताएं कि यह मक्के की दाने की भुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।